to your favorite channel is English classes और मैं हूँ आपका चंदन सर and today I am going to start a very new chapter which is from our grammar section that is called transformation. So my dear students, बहुत दिनों के बाद जो है ना पूरे जोश जुनून के साथ जो है मैं आपके साथ जो है ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो के थोड़े से कंटेंट हमने ऑलरेडी जो है आपको अपने YouTube चैनल पे मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है तो उसका सारा जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के सारे वीडियोस को दे सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और तुरंत शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि देखो वक्त जो है ना ये वक्त सभी को मिलता है ना अपनी अपनी लाइफ बदलने के लिए, लेकिन याद रखना ये लाइफ फिर दोबारा नहीं मिलती है इस वक्त को बदलने के लिए। तो जो भी ये वक्त है ना एंजॉय करो, मस्ती से पढ़ो और 12th की इंग्लिश के साथ साथ कॉम्पिटेटिव तक भी हम लेके चले जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं जी, बड़ा प्यारा सा एक खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कितने सारे स्टूडेंट बोल रहे थे क्लास में कि सर जी ये तो किसी ग्रामर में किसी बुक में इसकी चर्चा ही नहीं हुई है, तो मैंने बताया कि थोड़ा सा और आगे पढ़ लो फिर तो ये मिलेगा ही चैप्टर। देखो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है ना हम लोग आज इसका इंट्रो ही लेकर के चलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसके अंदर हमें पढ़ने कौन कौन सी चीजें, फिर एक एक करके सारी चीजों पे चर्चा होगा। और ये बात याद रखना ये अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे 10th के हैं या 12th के बच्चे हैं या 11th में पढ़ते हो या फिर वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर वो प्रिपरेशन करते हो, तो ये चैप्टर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम लोग होशियार बन जाए, होशियार समझते हैं ना जी, अगर ट्रांस कर दे और फॉर्म कर दे और इधर में एक प्यारा सा ATIOL लगा दे तो पूरा का पूरा बन जाता है बोलो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या होता है अगर ये समझ गए कहानी तो आगे मजा आ जाएगा। देखो ये जो प्यारा से ये जो वर्ड लिखा है ना ट्रांस, इसका मतलब होता है टू चेंज। आई होप समझ में कहानी आ रही होगी। और टू चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना, परिवर्तन करना। और ये जो वर्ड लिखा है ना देखो कितना खूबसूरत सा वर्ड है फॉर्म। फॉर्म का मतलब सभी को पता है कि फॉर्म का मतलब किसी भी चीज का क्या होता है, रूप, स्वरूप होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये तो यहाँ पे जो है ना ये प्यारा सा जो है ये सफिक्स लगा हुआ है जो एक प्रक्रिया को शो करता है। किसको शो करता है, एक प्रोसेस को शो करता है। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस है, याद रखना ये एक्चुअली में क्या है जी, एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी सेंटेंस के फॉर्म को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। किसी सेंटेंस के फॉर्म को ऑलवेज रिमेंबर, कीप रिमेंबर्ड इन योर माइंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली अ प्रोसेस थ्रू व्हिच वी ट्रांसफॉर्म, वी चेंज ओनली द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो याद रखना अपने को केवल और केवल जो है ना फॉर्म को चेंज करना है। यानी कि जैसे जैसे हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो देखते हैं खेसारी लाल यादव जी से परिचित होंगे, वो दिखते तो है पुरुष ही है लेकिन किसी किसी फील्ड में जो है ना क्या तुरंत जो है महिला का स्वरूप लेकर के चले आते हैं ना जी, जैसे आपने जो है मच्छरदानी लगा के गाना सुना होगा। तो चलिए उसमें जो है आपने क्या देखा भाई, उन्होंने रूप को चेंज किया, ऐसा थोड़ी कि जेंडर उनका चेंज हो गया होगा, मीनिंग तो खेसारी लाल यादव ही है। तो खैर देखो सीधी सीधी बात है कि आई एम प्योर बिहारी, तो मीडियम जो है भले इंग्लिश होगी हिंदी होगी लेकिन तड़का भोजपुरी का लगते रहेगा, इसीलिए झकास पढ़ो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या निकल के आया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सेंटेंस के फॉर्म को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं और बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए। तो हम लोग क्या डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है इसमें ऐड कर लेना विदाउट, ठीक है, चेंजिंग इट्स एक्चुअल, ठीक है जगह मिल सकता है क्या ऐड कर लेने यहां से एक्चुअल मीनिंग, उसी को कहते हैं इज कॉल्ड, जो आपने अभी पढ़ा है क्या पढ़ा है जी आपने अभी इज कॉल्ड, सीधे सीधे भी क्या कह सकते बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। चलो जी तो इसका डेफिनेशन तैयार हो गया। देखो कितना मजेदार डेफिनेशन है,
टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस. याद रखो भाई, बस ये जो लिपाई पता है ब्यूटी पार्लर में होता है ना, समझ रहे ना जी, जितने भी नारी प्रजाति के लोग खास करके देख रहे होंगे, तो जितना भी लिपाई पोताई होता है क्यों क्या करते हैं पता है, अपने केवल इस फॉर्म को बदलने के लिए कि करिया आदमी गोर लोग है ना, इसीलिए तो आप वहां जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली में व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर देना है विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्लियर हो गया जी कहानी कि सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करो बिना उसके मीनिंग को चेंज किए, इसी को कहते हैं बोलेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन. क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. आई होप कहानी अब समझ में आ गई होगी. एक बार और थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं. मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को बड़े आसान से बांटा था कि ट्रांस के साथ फॉर्म प्लस एसन, और ए टी आई ओ एल वर्ड जहां भी लगता है ना, इसका सीधा सीधा मतलब होता है एक प्रोसेस. क्या होता है जी, एक प्रोसेस. और बेटा ग्रामर में एक प्यारा शब्द मिले जो आपने पढ़ा होगा, टी आई ओ एन जहां दिखे वो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन. क्या होता है जी, नाउन. इतनी कहानी समझ में आ गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है. अब थोड़े से हम लोग जो है ना एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंटेंट व्हिच विल हैव टू वी हैव टू स्टडी इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए मैं उनको लिखता हूं, तो इसका वीडियो पॉज कर लेना भाई, अच्छे से नोट कर लेना, ये आपका डेफिनेशन तैयार होता था, ठीक है ना. चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहानी को आगे बढ़ाते रहिए. चलो भाई देखो जो भी चल रहा है सब देसी जुगाड़ चल रहा है, ठीक है, कैसे कैसे क्लासेस तैयार हो रहा है, ठीक है. तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी को. अब देखेंगे जरा सा प्यार से, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत जो है ना ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं. अब आज आप लोग को समझ में आएगा इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं. तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है इसमें ना, सबसे फर्स्ट चैप्टर, उसको हम लोग अपने में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है. याद रखना हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फर्स्ट चैप्टर. सेकेंड चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बड़ा खूबसूरत चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूव टू, या इसी को कोई बच्चा पढ़ लिया रहता है कहीं से वो भी सही है, रिमूवल ऑफ टू, ठीक है ना. कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर ये होता है कि रिमूव अपने आप में एक वर्ब का काम करता है और रिमूवल जो है ना ये अपने आप में एक नाउन का काम करता है. दोनों का मतलब एक ही चीज होता है कि टू को टी डबल ओ को हमें हटाना है. इसके साथ जो है हम लोग थर्ड चैप्टर जिसमें पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस. क्या बोलते हैं बोलो जरा, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस. अब देखो सेंटेंस एक्चुअली में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड. तो ये जो सिंपल सेंटेंसेस होता है, मैं इस पे अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना इसके कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिक में, जैसे आपने पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. तो इन्हीं सब सेंटेंस को एक दूसरे में इंटरचेंज करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे मान लो अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है एंड आपने चेंज कर दिया उसको बोलो जी किसमें, नेगेटिव में, तो ये कहलाएगा एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहलाएगा कि इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस. तो इसमें करना क्या है, ऑलवेज रिमेंबर भैया अपने को क्या बदलना है, फॉर्म, ना कि उसके मीनिंग को चेंज करना. मान लीजिए मैं कहूंगा कि मैं ईमानदार हूं, सपोज आई एम ऑनेस्ट, और सामने वाला बच्चा कहता है सर जी आप बेईमान नहीं है, आप बेईमान नहीं है, मतलब मैं क्या हूं, मैं ईमानदार हूं. फिर मैं कहूंगा कि तुम जो है गरीब हो, सामने वाला के कहेगा सर ये अमीर नहीं है. तो दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही चीज होता है, तुम गरीब हो, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं तुम अमीर नहीं हो. दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही चीज है. मैं कहूंगा वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सामने वाला आके कहता है कि सर जी वो डल स्टूडेंट नहीं है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है. यानी कि हमने को क्या करना है, किसी भी तरीके से सेंटेंस के फॉर्म को बदल देना है, मीनिंग को चेंज नहीं करना है. जैसे मान लो अफर्मेटिव से तुमने किसमें चेंज कर दिया, नेगेटिव से, नेगेटिव से तुम किसमें जा सकते हो, अफर्मेटिव से शानदार. उसी तरह देख लो भैया
इंटरोगेटिव सेंटेंस से अपने को चेंज करना पड़ता है असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव से कहां आ सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक उसी प्रकार से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को तुम चेंज कर सकते हो असर्टिव में, और असर्टिव से कहां आ सकते हो एक्सक्लामेटरी में। मतलब जो भी सेंटेंस के काइंड्स होते हैं ना, जो भी, ये सब के सब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें जो है एक दूसरे को चेंज करना बिना अर्थ को बदले, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप ये तीन कंटेंट आपको समझ में आए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे एक दो और मजेदार कंटेंट है जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो जी, इसके बाद जो है ना अपने में क्या कंटेंट आता है जरा सा ध्यान देना। चलो इसके बाद जो है ना हम लोग फोर्थ नंबर इसमें पढ़ेंगे, आपने इस चैप्टर का नाम सुना होगा वॉइस, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली इसमें क्या पढ़ते हैं भैया, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। जरा सोचो अगर मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और सामने वाला करके उसको बोलता है पैसिव में कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, दोनों मीनिंग तो एक ही हुआ, यानी कि इसमें हुआ क्या कि हमने सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करा, ना कि उसके मीनिंग को चेंज करा। यानी कि इन ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर वी हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड इन आवर माइंड दैट वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अल्टरनेटिंग चेंजिंग इट्स एक्चुअल और रियल मीनिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में हमें इतने सारी चीजें पढ़नी है, और मैं एक चीज लास्ट में लिख दूंगा, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है। ये जो प्यारा सा चैप्टर चल रहा है जी, बोलेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमेशा याद रखना है कि अपने को क्या चेंज करना है, चेंज द फॉर्म याद रखना है, और क्या नहीं करना है, नो चेंज द मीनिंग, हमेशा ये चीज याद रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में हमेशा हम लोग क्या करते हैं भैया, दो ही चीज कि अपने को चेंज करना है तो क्या मीनिंग को, चेंज क्या नहीं करना है तो उसके बोलेंगे क्या जी, चेंज करना है फॉर्म को, और क्या चेंज नहीं करना है उसके मीनिंग को। तो इसमें तीन चार चैप्टर निकल के आ गए, और मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि बेटा देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर चैप्टर हम लोग का ऑलरेडी बन चुका है, पार्ट वन पार्ट टू थ्री फोर फाइव तक, उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है रिमूवल ऑफ टू का चैप्टर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक इसके नीचे डाल दे रहा हूँ, और मैं सीधा स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा रिवीजन लगा के डिग्री ऑफ कंपैरिजन का और रिमूवल ऑफ टू का, और मैं सीधा शुरू करूंगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद सीधा हम लोग चले जाएंगे अपने वॉइस के लिए। लेकिन वॉइस चैप्टर को पढ़ने के लिए पता है ना टाइम एंड टेंस का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है। इसमें और भी कंटेंट है जिसको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, तो याद रखना ये ट्रांसफॉर्मेशन का केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था। होप ये वीडियो आपको शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लगा होगा, और लाइक कर दो, कमेंट भी करो, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगाज हो चुका है अंजाम शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगा। फिर मिल जाएगी वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे कैमरामैन बालाजी के साथ, थैंक यू वेरी मच, बाय।